जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिफेंस वॉरियर पर। आज हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल 10+2 की न्यू वैकेंसी के बारे में। तो आइए हम जानते हैं एसएससी सीएचएसएल 2024 की न्यू वैकेंसी के बारे में। इससे पहले आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज की हमारी वैकेंसी है जो है कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2024। इसकी हम ऑनलाइन सबमिशन स्टार्टिंग डेट की हम बात करें तो 8 अप्रैल टू 7 मई 2024 है। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ एंड टाइम रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 7 मई है, और लास्ट डेट ऑफ मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, और जो फ़ी पेमेंट की डेट है वो 8 मई है। और अगर किसी कारण आपका गलत हो जाता है तो करेक्शन करने की जो डेट है वो 10-11 मई को आप करेक्शन कर सकते हैं। और ये एग्ज़ाम, इसका शेड्यूल हम देखते हैं, इसमें दो टीयर होते हैं। एक टीयर फर्स्ट जो कि जून एंड जुलाई, ऑफिस मतलब इसकी डेट आ गई है कि 1 जुलाई से तो 12 जुलाई तक ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद सेकेंड टीयर का शेड्यूल वो अपने हिसाब से नोटिफाइड कर देंगे। इसमें हम देखेंगे कि जो पे स्केल इन्होंने क्या रखा है, तो लोअर डिवीज़न क्लर्क एलडीसी, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएसए पे स्केल 19,900 to 63,200, यानी कि 19,900 से 63,200 के बीच आपकी सैलरी रहेगी इसमें। इसी प्रकार डीईओ यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी इसमें सैलरी बताई गई है 25,000 to 29,000 के बीच में, और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की भी बताई है कि 25,000 to 81,000 के बीच में। इसमें हम नंबर ऑफ़ वैकेंसी की हम बात करें तो 3,712 वैकेंसी है टोटल। और इसमें हम रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एससी, शेड्यूल ट्राइब एसटी, अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि ओबीसी, और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी कि ईडब्ल्यूएस, और एक्स सर्विसमैन यानी कि ईएसएम, एंड पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी इनकी पीडब्ल्यूडी वालों के लिए भी रिजर्वेशन है। इसमें कैटेगरी में दिखाया गया है कि कौन सा क्या है, और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसको देख सकते हैं, नेशनलिटी तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। उसके बाद हाँ, एज लिमिट में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है, तो एज लिमिट की हम बात करें कि जो एज लिमिट काउंट होगी वो 1 जुलाई 2024 यानी कि 1 जुलाई 2024 से ही काउंट होगी। इसके मतलब 1 जुलाई तक आप 18 साल से 27 साल के बीच में होने चाहिए, और उससे ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए और उससे कम भी नहीं होने चाहिए। और इसमें एज लिमिट है 18 to 27 years, मतलब आपकी जो एज है वो 14 जुलाई 1988 से तो 2 अगस्त 1997 से लेकर 1-8-2006 के बीच वाले अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो कैटेगरी यानी कि एससी एसटी वाले को 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी को 3 ईयर का, और जो पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व है उनको 10 ईयर का, और जो
PWD OBC वाले उनको 13 ईयर का, और जो PWD SC ST वाले हैं उनको 15 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, और एक्स सर्विसमैन वाले को 3 ईयर का है। डिफेंस पर्सनल को भी 3 ईयर का है, डिफेंस पर्सनल का भी 8 ईयर का है जो डिसेबल है। इसी प्रकार और आगे देखते हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा, वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी जितनी भी डिटेल इस वीडियो में मैंने बताई वो आपके लिए सफिशियंट है। इसमें एक बार हम सिलेबस और देख लेते हैं, सिलेबस क्या क्या है। एप्लीकेशन फ़ी, हाँ एप्लीकेशन फ़ी की हम बात करें तो इसमें 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है, और वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC एंड ST और PWD उनके लिए पेमेंट फ़ी में कुछ रिजर्वेशन है, यानी कि उनको 0 रुपये फीस देनी है। उसके बाद आगे और देखते हैं अपन, इसमें ये तो सेंटर दिए हुए हैं, कौन कौन से सेंटर कहाँ पर हैं। हाँ ये हम इसमें हम बात करें कि जो हमारा Tier 1 का एग्ज़ामिनेशन होगा उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछ सकते हैं, तो इसमें फोर्थ सब्जेक्ट में इसको बांटा गया है, जिसमें इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, और जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेसिक अर्थमेटिक स्किल के 25 क्वेश्चन वो भी 50 मार्क्स के, और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस जो कि वो भी 50 मार्क्स के, और इसमें टाइम रहेगा 60 मिनट, और 80 मिनट फॉर कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब अस पैरा 7-1 और 7-3। उसके बाद Tier 1 हो जाएगा। Tier 1 का जो आपका पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और वो सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर है। आपकी जो मेरिट बनती है ना वो Tier 2 के हिसाब से बनती है, और Tier 2 का भी हम देख लेते हैं क्या क्या है। तो Tier 2 में को सेक्शन और मॉड्यूल में बांटा है, तो सेक्शन फर्स्ट में मैथमेटिकल एबिलिटी से 30 क्वेश्चंस, और मॉड्यूल सेकंड में रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस उसमें 30 क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चंस, और 60 क्वेश्चन हर क्वेश्चंस 3 मार्क्स का, तो 180 क्वेश्चंस जो कि एक एक घंटा फॉर ईच सेक्शन, दोनों सेक्शन के 1-1 और मिलेंगे। और सेक्शन सेकेंड में हम देखें तो उसमें है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसन, और मॉड्यूल सेकेंड में जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन और इंग्लिश के 40 क्वेश्चन, ये भी हुए 60 क्वेश्चन जो कि 3-3 मार्क्स के, तो 180। और सेक्शन थर्ड में कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल, 15 मिनट का एक कंप्यूटर स्किल टेस्ट होता है, टाइपिंग टेस्ट जिसे हम बोलते हैं, और सेक्शन थर्ड में भी स्किल टेस्ट होता है जो कि DO इन डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री इज मेंशन। इस प्रकार से दोनों टीयर कंप्लीट होने के बाद हमारा मतलब स्किल टेस्ट होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, और टाइपिंग टेस्ट होते हैं LDC JSA के लिए। इसमें से ये सिलेबस दिया गया है कि इंग्लिश लैंग्वेज में कौन क्या क्या सिलेबस है, तो आप इसमें देख सकते हैं सिनोनियम्स, होमोनियम्स, एंटोनियम्स, स्पेलिंग वगैरह, जनरल इंटेलिजेंस का भी मेंशन है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड का भी है। तो आप अपनी तैयारी करने से पहले एक बार सिलेबस को अच्छे से ध्यान से देख लें, उसी के बाद ही तैयारी स्टार्ट करें। और ये है कि उसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं, तो आप हमें कमेंट में बताएं आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, हमारी डिटेल कैसी लगी।
अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।